कासगंज में पत्नी से विवाद होने पर पति ने आत्महत्या कर ली। मृतक ने तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो बनाकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। वीडियो में मृतक उसकी पत्नी और प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। बताया जा रहा है कि पत्नी और प्रेमी ने मृतक के साथ मारपीट की थी। घटना की सूचना मिलने पर पटियाली कोतवाली ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ, सर मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे सजीव का लगा तौफीक कि मेरी बीवी से नया संबंध, मैं इससे मना करता तो ये मानता नहीं। मैं उसे दिल्ली ले गया तो साथ में दिल्ली गया, पीछे पीछे दिल्ली से रखा ले गया उसको। गाजियाबाद में गई तो गाजियाबाद में साथ में गया था उसके। फिर मैं पटियाली लेके आ गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मैं यहाँ पे लेकर चला आया। मैंने चल कोई बात नहीं, उसे समझाया, उसने बुझाया, मैंने चल कोई बात नहीं, वही बच्चे छोटे छोटे हैं, मान जा भाई, और सर मानने को तैयार नहीं है ये लोग। मैंने इससे घर से शिकायत की तो घर वालों ने सब मुझे बहुत मारा पीटा। घर में घुस के मेरी बीवी के साथ मिल के मुझे बहुत मारा पीटा, बहुत मारा पीटा मुझे, मेरी बीवी से मिल गई, बहुत मारा पीटा मुझे सर। मारने जान से मारने की धमकी दी, लेकिन तुझे जान से मार देंगे, तुमने किसी से कहा तो, किसी से कहा तो जान से मार देंगे तुझे। साहब मैं क्या करूँ, मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। मैंने इससे कहा अगर तुझे लोग औरत की जरूरत है तो औरत को ले जा भाई, रख अपने घर में ले जाकर। तो बोलता मैं घर में नहीं रखूँगा, तेरे घर में रहेगी और रखूँगा मैं। सर भी बताइए क्या करूँ, किसी से कहता हूँ तो ये लोग मारते मुझे, पीटते हैं, गालियाँ देते हैं, और मैं अकेला हूँ साहब, क्या करूँ। बीवी इनके साथ मिली हुई है सर, इन्होंने रात में घुस के मुझे बहुत मारा पीटा, हाथों से, चप्पलों से। सर मैं बहुत दुखी हो गया, क्या करूँ सर, मैं बहुत दुखी हो गया सर, मैं बहुत दुखी हो सर। मैं अब आत्महत्या कर लूँगा सर, मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मैं जिया जाऊँ सर। मेरी मौत की जिम्मेदारी ही लोग होंगे, शरीफ और शरीफ के लड़के दोनों, इन लोगों ने मुझे मजबूर किया मरने के लिए, मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, मुझे मारा पीटा और बोल रहे थे मैं तुझे जान से मार दूंगा। बीवी इनके साथ मिल गई, मैं बताओ क्या करूँगा, क्या करूँगा, बीवी इनके साथ मिली हुई है सर। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ सर, इन लोगों ने मुझे जीना हराम कर दिया सर, मैं क्या करूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, तीन बच्चे पहली बीवी से साहब, दो बच्चे इससे, दो साथ में लाई, सात बच्चे साहब, मैं क्या करूँ साहब, बताओ मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, ये कहाँ नहीं जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साहब। सर मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ, मगर सर आपसे निवेदन है कि मुझे इंसाफ मिल जाए, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी सर, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इन लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। इन आपस में लड़ाई झगड़ा और कहना में इन्होंने अपनी वीडियो वायरल कर दी है सोशल मीडिया पर। उन्होंने सब अपनी घटना जो उनके साथ घटना हुई है, उन्होंने सब अपनी घटना खुद ही वायरल कर दिया वीडियो। किससे प्रेरित थे, क्या था इनका वो? ये उस औरत से, और बताते सामने वाले जो कहना में शरीफ और उनके लड़के से कुछ, इनकी औरत वो है नाजरीन जिसका नाम है, महिला पत्नी है इनकी जी, दूसरी वाली है वो। दो शादी की थी, कितना समय पहले शादी की थी? ये शादी कुछ नहीं करी, ऐसा लंबा हुई थी, पता नहीं दूसरे की बीवी थी ये। कितना वर्ष से रह रही है इनके पास? ये सात वर्ष।